बंधुगण कण आपणकर जीवन रे सर्वदा धनजनित समस्या लागी रही छे कि आपणकर गृह रे सर्वदा आर्थिक समस्या लागी रहू छे कि आपण करजर भाररे बुड़ी रही छंति कि आपणकर जीवन रे दुख कष्टर अंत हेउनाही कि ता कोनोसी भी दिन करिदेबे गुजराती बा इलायचीर एही महा उपाय जीवनर समस्त कष्टरु तुरंत मुक्ति मिलजिव। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद ना केवल आपणकर जीवन हेब धनर वर्षा बरम आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण होइजिव बनिजिव आपण कोटिपति। बंधुगण जदि आपण आपणकर जीवन रे बहुत बेसी समस्या अछंती आपणकर जीवन रे धन आसीबा बंद हो जाइछे आपणकर जीवन रे समस्या कष्ट आपणकर पिछा छाडू नाही आपण करजर माया जाल फसी जाती आपणकर भाग्य आपणकर साथ देना तेरे केवल आपण तंत्रशास्त्र अनुसार आपण इलायचीर से ही उपाय को करदिंतु जहाँ विषय आज आम यही भिडियो आपण को बतईवाक जाऊ एवं इलायचीर यह उपाय को करवापर ना केवल आपण को आपणकर जन्म जन्मांतर गरीबी मुक्ति मिलजिव बरम साक्षात माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपण को प्राप्त होद्वारा आपणकर जीवन में धन आसवा आरंभ हो धन आसवर समस्त रास्ता खोलीजी। एमती रे इलायचीर प्रयोग आम खाद्य व्यंजन प्रयोग करपटे जदि आप तंत्रशास्त्र अनुसार इलायचीर प्रयोग सठिक भाव करे जमी आज आम यही भिडियो बतईवाक जाऊ तो साक्षात माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपण को प्राप्त होब। तो आसतु जाणवा इलायची को प्रयोग कर गुजराती को प्रयोग कर आपण किपर धनवान बनीपारे। यहा पूर्व जदि आपण मैने माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करश्वास करेडियोटी को लाइक कर कमेंट बक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दिंतु। बंधुगण इलायची को शुक्र ग्रहर कारक मान जाए शुक्र ग्रहंकर नियंत्रण माँ लक्ष्मी का हाथ में रही थाए एवं आमर तंत्रशास्त्र सफा सफा लेखा होइछे जो व्यक्ति शुक्र ग्रह तांकर साथ दे थाए से ही व्यक्ति उपरे साक्षात माँ लक्ष्मी आशीर्वाद बनी रही थाए एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रु ना केवल से ही व्यक्ति को गरीबी समस्या कष्टरु मुक्ति मिल जाए बरम से ही व्यक्ति को कोटिपति बनिबारे केही भी रोकी पारिबे नाही। ज्योतिष शास्त्र रे लेखा अछि जदि आपण इलायचीर प्रयोग सठिक विधि विधान करदेबे तो मानिक चलतु आपणकर जीवन रे केबे भी धनर अभाव हेबना माना जाई थाए इलायचीर प्रयोग गोटे व्यक्तिर भाग्य को बदलाई दे पारे। एही भिडियो रे आमे आपण को बतेइबो कि इलायचीर केउ उपाय विषय रे आमर तंत्रशास्त्र ज्योतिष शास्त्र रे एवं वेद पुराण रे लेखा अछि विश्वास करंतु जदि आपण एही उपाय को सठिक विधि विधान करदेबे आपणकर समस्त समस्या दूर होइजिव। तेबे चलंतु जानिबा इलायचीर चमत्कारी उपाय विषय रे सबटु प्रथम उपाय हैला शुक्र ग्रह को मजबूत करिवार महा उपाय। भिडियो आरंभरु आमे आपण को कहि सारिछु कि जो व्यक्तिर शुक्र ग्रह मजबूत होइथाय सेही व्यक्ति को सर्वदा माँ लक्ष्मी कृपा मिली थाए एवं थरे जदि माँ लक्ष्मी कृपा आपण को मिलगला तो आपण को कोटिपति बनिबारे केही भी रोकी पारिबे नाही आपणकर जीवन रे केबे भी आपण को धनर कमी हेबो नाही। जदि आपण चाहुचंत कि आपणकर शुक्र ग्रह मजबूत बनी जाऊ तो यह उपाय को केवल पांचटी शुक्रवार दिन कर दिंतु। देखिबे पांचटी शुक्रवार पर आपणकर शुक्र ग्रह मजबूत बनीजिबे। शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी दिन होइथाय एवं एही दिन आपण कौनसी भी पूजा पाठ करिबे त आपण को माँ लक्ष्मी आशीर्वाद निश्चय प्राप्ति हेब। जेमिति आपण स्क्रीन रे देखि पारुथिबे एहा अटे सदाबहार गछ। सदाबहार गछ पूरा पृथ्वी रे एहा एक एमिति गछ अटे जेउथिरे माँ लक्ष्मी आठटी रूप बास करिथाय। आपण शुक्रवार दिन सका उठी स्नान आदि कार्य सारी गोटे तंबार लोटा नहीं जातु से
गंगाचाळ भरि दियंतु गोटे इलायची पकई दियंतु एवं कोनोसी भी सदाबाहर गछमूल रे एहि जल को अर्पण करि दियंतु। आपण एहि उपाय को पांचटे शुक्रवार करि दियंतु। देखिबे पांचटे शुक्रवार परे आपणकर शुक्र ग्रह मजबूत बनी जिबे एवं आपणकर जीवन रे केबे भी धनर कमी हेबो नाही। माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपण को प्राप्ति हेबो। द्वितीय उपाय अधिक खर्चरु बंचिबार उपाय। जदि आपणकर जीवन रे पैसा आसु अछि हेले खर्च हो जाउ छै धनर अभाव देखा देउ छै आपणकर पर्स सर्वदा खाली हो जाउ छै केवल गोटिय शुक्रवार एहि उपाय करि दियंतु जहां आम आपणको बतेबा को जाउछु। देखिबे आपणकर खर्च कमी जिव एवं धन संचय हेबा आरंभ हो जिव चारि दिगरु धन आसीबा आरंभ हो जिव। एहि उपाय ज्योतिष शास्त्र रा अध्याय नंबर 31 रे अछि। कोनोसी शुक्रवार दिन संध्या बेले आपण स्नान करंतु एवं नाली रंगर वस्त्र परिधान करंतु कारण माँ लक्ष्मी को नाली रंग बहुत प्रिय होइथाय। आपण वस्त्र परिधान करिबा परे आपणकर घरर पूजा घरे जेउठारे माँ लक्ष्मीकर मूर्ति बा फोटो अछि ता सामनारे आपण बसि जांतु एवं गोटे दीप जलांतु। आपणकर हातरे गोटे इलायची रखंतु एवं माँ लक्ष्मीकर सही बीज मंत्र को जप करंतु जेउ मंत्र आमे आपणको बतौछु। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। एहि बीज मंत्रर जप केवल 11 थर करंतु। तापर आपण सही इलायची को ब्याग रे बा पर्स रे रखि दियंतु किमा घरे धन रखुतबा स्थान रे रखि दियंतु। देखिबा आपणकर खर्च कमी जिव धन संचय हेबा आरंभ होई जिव आपणकर पर्स सर्वदा पैसा रे भरी होई रहिबो। तृतीय उपाय एहा एक एमिति उपाय अटे जहाद्वारा आपणकर राहु केतु आपणकर साथ देबे। एहि उपाय एक एमिति उपाय अटे जहाँ को जदि आपण करदेबे तो आपणकर भाग्य चमक उठिब भाग्य आपणकर सर्वदा साथ देव एवं आपण को समस्त क्षेत्र में सफलता मिलिब। आपण पांचटी बृहस्पतिवार बा गुरुवार दिन एहि उपाय को करंतु। बृहस्पतिवार कौन पाई ना बृहस्पतिवार भगवान विष्णुकर दिन होइथाय। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मीकर अति प्रिय अटंती एवं पति अटंती। पांचटी बृहस्पतिवार दिन आपण सकाळ उठि स्नान आदि करि एक धळा कपड़ा नियंतु। धळा कपड़ा उपरे एक मुठी चाउल रखंतु गोटे इलायची रखंतु एवं यहाँ एक पुटुली बनई दियंतु एवं यहाँ नहीं कौनसी भी मंदिर बाहर बसिथिबा भिकारी मानक दान करि दियंतु। पांचटी बृहस्पतिवार दिन जदि आपण एही उपाय को करदेबे तो आपणकर राहु केतु सर्वदा आपणकर साथ देबे आपणको समस्त क्षेत्र में सफलता मिलिब भाग्य आपणकर साथ देबा आरंभ करदेब। जदि आपण चाहूंत कि भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा सर्वदा आपणकर उपरे एवं आपणकर परिवार उपरे सर्वदा बनी रहु भगवान विष्णुकर कृपारु आपणकर घरर उन्नति हेउ माँ लक्ष्मीकर कृपारु आपणक घर को सर्वदा धनर आगमन हेउ तो यह उपाय को आपण प्रत्येक शुक्रवार दिन करंतु जहां आम आपण को कहिबा को जाउछु। प्रत्येक शुक्रवार को सकाळु नै संध्या भितरे घरे 12टी रुटी बनांतु। प्रत्येक रुटी उपरे गोटे गोटे इलायची रखि दियंतु एवं कोनोसी भी गाय को खुआई दियंतु। गाय को कौन पाई ना गाई मध्यरे 33 कोटी देवादेवींकर बास होइथाय। गायर सिंह मध्यरे भगवान शिवंकर बास होइथाय। भगवान श्रीकृष्ण गो सेवक थिले। जदि आपण प्रत्येक शुक्रवार को एहि उपाय को करदेबे त आपणकर उन्नति हेबा सहित आपणकर घर परिवार रा उन्नति हेब। तेबे आपणको जदि ए भिडियोटी भल लागिथाय ताहेले तळे थिबा आम कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करि दियंतु। धन्यवाद।